देखो शराब जो चीज होती है ना, उसे भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, मैं मानता हूँ। ठीक है, भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। बहन के लोड़े ऐसे क्या बोल रहा है, गांड मार लूंगा तेरी, हट बहन चो, तेरी गांड मार लूंगा बहन के लोड़े, साले बहन चो, मैं बता रहा तुझे, सुन ले मेरी बात, सुन ले बहन के लोड़े। भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। तो जितना तुम गालियों पे ध्यान दे रहे हो ना, उतना तो हम देते भी नहीं है। और गालियां भी कुल मिलाकर के 8, 10, 15, 20 है, वही चल रही है, कुछ भी बोलना हो वही गाली, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत रेगुलर बात है। कारण ये कि उसके पास, उस गधे, उस जानवर के पास शब्द ही नहीं है, उसकी मजबूरी समझो भाई। गधे को पानी चाहिए तो भी क्या बोलेगा, ढेचू, और घास चाहिए तो भी क्या बोलेगा, ढेचू। गधे के सामने शेर आ गया और डर गया तो भी क्या बोलेगा, और गधे को चूहा दिखाई दे रहा तो भी क्या बोलेगा। तो इस आदमी के पास और कोई शब्द ही नहीं है, जो कुछ भी उसके सामने आ रहा है उसको। आई थिंक सारे दिल्ली वालों का ये रिएक्शन है, सारे दिल्ली वाले, अपने NCR वाले, सबका ये रिएक्शन रहता है, पागल ही जैसा दिखाई देता है। और अभी मैं तुम्हें बताऊं एक इंटरेस्टिंग बात, डू यू वॉन्ट टू सी माई कैमरा। चलो बेटा कैरी देखो, रोज सिखाए तुमने मेरी जिंदगी खराब की है। ध्यान से देखिए इस दरिंदे को, इसका नाम है कैरी मिनाटी। ये यूट्यूब को यूट्यूब बोलता है और सस्ते नशे करने वाले हरामखोर जैसी लाइनों को जोक। अगर आपके दिमाग में एक सवाल हो कि अगर यूट्यूब कमेंट सेक्शन एक यूट्यूब चैनल होता तो क्या होता, उस सवाल का जवाब है कैरी मिनाटी का करियर। अगर कैरी मिनाटी एक जानवर होता तो उसे कैरी मिनाटी ही बुलाया जाता। कैरी मिनाटी को देख के आप एक चीज के साथ श्योर हो सकते हो, दो बूंद जिंदगी के मिलने के बाद भी दिमाग का पोलियो ठीक नहीं होता। कैरी मिनाटी के हिसाब से मोटे को मोटा ना बुलाया जाए, पतले को पतला ना बुलाया जाए, गोरे को गोरा ना बुलाया जाए और काले को काला ना बुलाया जाए तो क्या बुलाया जाए। पर अगर साइबर बुलिंग को साइबर बुलिंग बुलाई जाए तो कैरी मिनाटी बोल रहे हैं वो हो गए हैं अपसेट, वो हो गए हैं दुखी। ये है हमारे जमाने के बुद्धिजीवी कैरी मिनाटी। बुद्धिजीवी का मतलब फॉर कैरी फैंस इंटेलेक्चुअल, और इंटेलेक्चुअल का मतलब ऑपोजिट ऑफ कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी गरीबों का इतना मजाक उड़ाता है ना, मुझे लगता है एक दिन वो पार्लियामेंट पहुंच जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ, अगर ये दुनिया एक इंसान है ना, तो इस इंसान को कब्ज है जिसका नाम है टिकटॉक। साला बारी नहीं आ रहा, एक नया दौर आ चुका है जहाँ छोटू से लेके मोटू तक, चोमू से लेके मोमू तक सब टिकटॉक बना रहे हैं। अबे दुकान पे ध्यान दो, कपड़े नहीं बिक रहे हैं तुम्हारे, और ये कैसा स्वैग है, ऐसा करके नाक से नकते लो, ये लड़कियां फ्लैट कर रहे हैं। कैरी मिनाटी गरीबों का इतना मजाक उड़ाता है कि मेरे को लगता है ये निर्मला सीतारमन का कोविड पैकेज कैरी मिनाटी ने ही डिजाइन किया है। फॉर कैरी एंड हिज फैंस, निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। क्या है यार, मेरी ये जीके वीके बहुत खराब है मेरी, साले 0 नंबर आते हैं मेरे जीके में भी। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मनमोहन सिंह। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, हो मनमोहन सिंह, जो भी है मनमोहन सिंह। मजा आया। अगर कैरी को पूछा जाए वो ऐसी बातें क्यों करता है तो वो बोलता है आई डोंट डू इट टू इंसल्ट पीपल, आई डू इट बिकॉज माई फैंस लाइक इट। भाई साहब, इससे ज्यादा घटिया जस्टिफिकेशन मैंने कोई बात का सुना ही नहीं। कैरी, अगर तेरे दोस्त को कुत्ते पे पत्थर फेंकते हुए देखने में हंसी आती हो तो क्या तू वो करेगा? सॉरी, शायद तू हाँ बोल दे। प्लीज इस सवाल का जवाब मत देना। कैरी को उसकी क्लास की टीचर ने क्लास मॉनिटर बनाया था। कैरी को बोला गया कि ब्लैक बोर्ड में जाके लिखते बेटा थॉट ऑफ द डे क्या है, तो कैरी ने वहां पे जाके लिखा इस वीडियो पे मुझे चाहिए 2 मिलियन लाइक्स, इस वीडियो पे मुझे चाहिए 3 मिलियन लाइक्स, इस वीडियो पे मुझे चाहिए 4 मिलियन लाइक्स। कैरी भाई, तू इतना भूखा क्यों है? एक बार कैरी के पापा रूम में आ गए और कैरी मूठ मार रहा था। पापा ने छाती पे हाथ रख के बोला थैंक गॉड, एटलीस्ट हमारा बेटा किसी को बेटी बुला के पैसे तो नहीं कमा रहा। टिकटॉक की बेटियां जिन्हें, और ये बेटी 6 साल मॉस्को पढ़ के आई है। बेटी जिंदगी लूनी टून नहीं, बेटी तेरे शब्द अदल बदल, बेटी ये गली क्रिकेट नहीं है, बेटी जबरदस्ती भगवान का बंदा मत बन। कैरी, अगर तू एक रेगिस्तान में अकेला होता और वहाँ एक कुत्ता आ जाता, तो एक कुत्ता पौधा लगाता, उसका पेड़ होने का वेट करता और फिर उस पेड़ पे मूतता, तेरा कॉन्टेंट कुत्ते की मूत भी करंटली डिजर्व नहीं करता।
कैरी के रिश्तेदार उससे कभी नहीं पूछते बेटा और बताओ क्या चल रहा है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं ये सच में बता ना दे। कैरी अगर पूरी दुनिया एक वॉल्यूम पे कंटेंट कंज्यूम करती तो तू क्रिएटर होता क्या? जैसी बातें तू यूट्यूब पे करता है, अगर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वैसी बातें तेरे घर वालों से की गई होती तो आज तेरे में थोड़ी तमीज होती। ब्रांड वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक डायलॉग बोला था कि मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा 200 रुपए का। इस डायलॉग का मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्रांड वैल्यू से था, जो मैंने 200 रुपए से रिप्रेजेंट किया। कैरी से एक ब्रांड ने पूछा कि गले में सांप डाल के संतरे छीलने के कितने पैसे लोगे, तो उसने कहा टिकटॉकर से डबल। छोटे समझ में आया क्या? कैरी बिलीव्स के हिज वीडियो हैज बीन मिसअंडरस्टूड एंड हिज लाइंस हैव बीन कोटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कैरी के घर पे कोई कैलेंडर और घड़ी दोनों भेजे जो उसे याद दिलाते कि ये साल 2020 है और मीठा बुलाने का किसी को भी कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं। कैरी मिनाडी खुद को तू कॉमेडियन बुलाता है और उससे ऑफेंसिव जोक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना। कैरी दिस इज जस्ट टू टेल यू कि रोस्ट करने के लिए जोक राइटिंग आनी चाहिए। जोर से भोसड़ी का बोलना रोस्ट करना नहीं होता, नहीं तो भारत के हर ट्रैफिक जैम पे यूट्यूब फैन फेस्ट हो रहा होता। हाँ यार, पंचर जोड़ने वाले और मिस्त्री ऑडियंस की बात ही कुछ और है। टिकटॉक पे जो अनपढ़ ऑडियंस है ना भाई, अलग ही स्वाद है उनका। पंचर जोड़ने वाली ऑडियंस ना सिर्फ मुजरा देखती है, वो इंटरेक्टिव नहीं होती उसको। ये सारे मजदूर, मोची, मिस्त्री, रेड़े वाले सब टिकटॉक पे आए। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। कॉमेडी इज नॉट अबाउट पंचिंग डाउन, बट इंडियन यूट्यूब टीचेस अस दैट एस क्लिकिंग इज ऑलवेज अपवर्ड्स। Carry has got 2 million likes. Carry has got 4 million likes. Carry is the biggest YouTuber in India. Carry is breaking all records. Most liked video of YouTube. Yes. The most liked video on Indian YouTube would have been about TikTok. Who do you think is winning this? ये YouTube का हाल देख के मेरे को TikTok पे जाने का मन हो रहा है। ये कैरी मिनाडी, दिस हैज बीन अ फन जर्नी वेयर आई हैड टू कंज्यूम योर कॉन्टेंट टू मेक जोक्स अबाउट यू एंड रोस्ट यू इन द मैनर दैट आई सीम फिट। आई थिंक दैट्स ऑल्सो द हाइएस्ट पॉइंट इन योर करियर दैट आई हैड टू सी योर कॉन्टेंट, एंड दैट्स ऑल्सो द लोएस्ट पॉइंट इन माई करियर दैट आई हैड टू सी योर कॉन्टेंट। 12 साल के बच्चों से हम इंग्लिश में गालियाँ खाने वाले अभी भाई। कैरी के फैंस आके पेलेंगे मेरे को। एक बार तो हाय बोल दो भैया। इतने हाथ क्यों जोड़ लिए अंकिता, इतने क्यों हाथ जोड़ लिए? सो अजय, जस्ट वॉन्ट टू से दैट फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉच्ड अ वीडियो विद सो मच गालियाँ एंड आई एम इन जस्ट लव विद इट एंड वॉच 20 टाइम्स टू लॉन्ग यू नीड इट मैन। थैंक यू सो मच डस्की जिज्ञासिनी जिज्ञासिनी। ओके, मैं जैसे अगर वीडियोस में भी गाली दे रहा हूँ तो मैं सामने वाले को गाली नहीं दे रहा हूँ, वो मेरा एक्सप्रेशन है, मेरा वो फुल स्टॉप है। जैसे तुम एंड में देखोगे वर्ड्स के एंड में आता है बहनचोद, कि कुछ बोला मैंने बहुत ही ऐसे इरिटेट होकर, फिर बहनचोद, वो वाला है। मैं उसको सामने वाले को गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना इरिटेशन, अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस कर रहा हूँ। ये जो आजकल के लोग हैं इनसे पूछो हिंदी के मुहावरे पता है, नहीं पता होंगे तो मुहावरा पूछोगे, ये मुहावरा इन्हें पता है कुल मिला के। और जहां इन्होंने कहा नहीं मुहावरे के नाम पे, बैड की लौड़ी है यार जिंदगी में ना, तेरी माँ की चोद भोसड़ी के धीरे बोलना, आओ मेरी गांड मार लो। अरे इतनी तेज बोल रहा है बहन, खुद ही कोई झुक के खड़ा हो तो मैं इतना शरीफ नहीं हूँ कि कुछ ना करूं। ये बता तेरे को गे फीलिंग आती है क्या थोड़ी? धीरे बोलना, आओ मेरी गांड मार लो। वो कुछ नहीं है, सुबह शाम तुझे बस गालियां सुनाएगा, कितना अच्छा लगा, आहा हा क्या गालियां दी हैं। मुद्दे की बात कुछ नहीं, गालियां और इस पे फिदा हो गया भारत। और ऐसा आज नहीं हो रहा है, ये चीज दशकों से चल रही है, बस अब जाकर के ये चीज और ज्यादा घातक रूप से विस्तृत हो गई है। वो बात सही है, बट मेरा स्टाइल ही अग्रेसिव है यार, वैसे नॉर्मली भी। ये खुद भी गधे हैं, तुम्हें भी गधा समझते हैं, तो ये रेंकते हैं और इन्हें पूरा भरोसा है
कि ये जो रेख रहे हैं, उस रेखने में ये जो बात कह रहे हैं, वो बात तुम्हें बखूबी समझ में आ रही होगी और इनका भरोसा तुमने सच्चा ठहरा दिया है। कैसे? वीडियो को वायरल करा के। पढ़े लिखे जाहिल कैरी के फैंस को बुलाना चाहिए पढ़े लिखे जाहिल। आई थिंक कैरी मिनाटी को क्रिंज बुलाना क्रिंज के लिए कॉम्प्लीमेंट होगा। बजाओ भाई ताली, बजाओ ताली। कंटेंट कंटेंट कंटेंट। कैरी रोस्ट करता है, कैरी बहुत जोर से रोस्ट करता है यार, और कैरी रोस्ट करेगा। भाई ये तो न्यूज से भी ज्यादा डिप्रेसिंग है। इन्हें कोई बताओ कि पैंडेमिक चल रहा है। कैरी मेरे को 10 मिनट लगा यार ये रोस्ट लिखने के लिए, तू 10 मिनट भी नहीं लगाता क्या?